मैं इस समय मौजूद हूँ हरदोई के नुमाइश मैदान में, जहाँ फरवरी से मार्च तक की नुमाइश लगी थी। उसी के दौरान यहाँ लॉकडाउन लग गया, जिससे कई लोगों की ज़िंदगी यहाँ फंसी पड़ी है। कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ नुमाइश में अपनी दुकान लगाने आए थे और झूला लगाने आए थे। मैं उसी झूले पर मौजूद हूँ जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। यहाँ ऐसे कई परिवार हैं मौजूद हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, जिनका खाना खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। मेरे साथ मोहम्मद शबीर जी हैं। जी, आप यहाँ कब से फंसे हुए हैं और कैसे आपका यहाँ खाना पानी चल रहा है? झूले की तरफ बनता राशन के पैकेट जाते हैं, वही बन जाता है। तो 3-4 दिन हो गए तब दे गए थे। कब से फंसे हुए हैं आपका यहाँ, क्या लगा था यहाँ पर? ये नाव लगी हुई जी, ये समझ लो 14 जनवरी को यहाँ पर, 15 जनवरी को यहाँ पर आ गए थे जी। तब से यहीं पर मेला गया, मेले के बाद ITA का कर्फ्यू लग गया, तब से फंसे हुए। कितने लोग हैं आपके साथ परिवार में? यहाँ लगभग 15-16 लोग हैं। ज़रा आप हमें दिखाना चाहेंगे कि आप कैसी जगह पर रह रहे हैं और कितनी मुश्किलों से? अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस जगह पर रहते हैं ये लोग, आपको दिखाएंगे। ये है झोपड़ी, अंदर चलिए, आप ज़रा दिखाइए चल के। ये छोटी सी देख सकते हैं 5 फीट की झोपड़ी सी पड़ी हुई है, हल्की सी छोटी सी, इसी में ये रह रहे हैं। करीब 2-3 महीने से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छोटी सी बाल्टी रखी हुई है, एक छोटा सा गैस का चूल्हा रखा हुआ है, एक पंखा छोटा सा लगा है। ये लाइट की बिजली की व्यवस्था किसकी तरफ से है? ये कमेटी की तरफ से। कमेटी की तरफ से। इसका कुछ खर्चा तो लेंगे कि नहीं लेंगे? फिलहाल तो अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्या क्या सहायता मिल रही है आपको प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से 1 दिन राशन आता है, बाकी दिन नहीं आता है। 1 दिन आता है, बाकी दिन नहीं आता है। बाकी दिन कैसे काम चलता है आपका? कभी मालिक पैसा दे देता, उधार ले लेते हैं या खर्चा करे जा रहे हैं। अच्छा, तो घर जाने की क्या प्लान है? घर जाने का क्या बताया गया आपको? घर जाने के लिए जब कर्फ्यू खुल जाएगा फुल तरीके से, तभी जा पाएंगे। अब हम चले जाएंगे सीतापुर के अंदर लोग ले जाएंगे। अच्छा, एक तो यहाँ पर बीमारी नहीं, सबसे मेन सुकून है, सबसे सेफ जगह पर है, इस और सबसे मेन चीज़ पैसा नहीं। घर जाएंगे तो पैसा मांगेंगे, तो पैसा कहाँ से लाते देंगे? अच्छा, मेन चीज़ पैसे की समस्या है। मेन चीज़ पैसे जी। अधिकारी यहाँ आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? बस राशन वासन 1-2 चक्कर मिल गए, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, ये आपने जैसा देखा कि ये छोटी सी झोपड़ी थी, हमें झुक के निकलना पड़ा। 2-4 फीट की होगी लगभग, इस जगह पे ये लोग रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हरदोई तक के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।